हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक सुदेश शर्मा पर कांग्रेस आलाकमान ने फैसला लिया है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव पद से हटा दिया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से सुधीर शर्मा को AICC सचिव पद से हटा दिया। इसे लेकर राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं हिमाचल कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेंद्र राणा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। AICC की इस कार्रवाई से पहले आज सुबह सुधीर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने सुक्कू सरकार पर सीधा हमला बोला। सुक्कू सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि भगवत गीता में एक श्लोक है जिसका भावार्थ है, अन्याय सहना उतना ही अपराध है जितना अन्याय करना। अन्याय से लड़ना आपका कर्तव्य है। यही श्लोक आज हमारे संघर्ष का, हमारे फैसले का, हमारे द्वारा उठाए गए कदम का आधार बना है और इस श्लोक ने हमें शक्ति भी दी है। सुधीर शर्मा ने यह तक लिखा कि उन्हें हटाने के लिए पार्टी के भीतर ही किसी नेता ने कुछ ताकतों को सुपारी तक दे दी थी। ऐसे में खामोश कैसे बैठा जा सकता था। गौर रहे कि सुधीर शर्मा को धमकी का मामला हिमाचल विधानसभा में भी गूंजा था। वह बोले कि हाईकमान की आंख पर पट्टी बंधी है। प्रदेश के सत्ताधीश जब मित्र मंडली से घिरकर तानाशाह बन बैठे हों, ऐसे में कायरों की तरह हम भीगी बिल्ली बनकर जनता के भरोसे को नहीं तोड़ सकते। पहाड़ के लोगों के साथ अन्याय होता नहीं देख सकते। किसी की प्रदेश हित गिरवी रखते नहीं देख सकते। सड़क पर धरना लगाए बैठे युवाओं को पीड़ा नहीं दे सकते। इसलिए जनहित में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि गीता का ज्ञान मुझे सदैव ऊर्जावान रखता है। तभी उन्होंने अपनी बात की शुरुआत गीता के श्लोक से ही की है। उन्होंने लिखा कि कुर्सी पाने के लिए कभी चापलूसी और तलवे चाटने की राजनीति नहीं की, बल्कि जनता के भले व अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने आगे लिखा कि हमने कई बार कड़वे घूंट भरे, विषपान भी किया, लेकिन अंत में हमारी अंतरात्मा और गीता के श्लोक ने हमें अन्याय का प्रतिकार करने के लिए खुलकर मैदान में आने के लिए प्रेरित किया और हमने जो कदम उठाया है उस पर हमें नाज है। कहीं दूर दूर तक कोई पछतावा नहीं है। इससे पहले भी जब सियासी संकट खत्म होने के बाद CM सुक्कू ने कई घोषणाएं की तो सुधीर शर्मा ने उन पर हमला बोला था और कहा था कि जब चादर लगी फटने तब खैरात लगी बटने। AICC के सचिव पद से हटाए जाने पर बागी सुधीर शर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि भार मुक्त तो ऐसे किया है जैसे सारा बोझ मेरे ही कंधों पर था। आपको बताते चलें कि सुक्कू सरकार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की बात यह है कि पूर्व CM वीरभद्र सिंह का परिवार भी इन बागी विधायकों के साथ ही है। सुक्कू सरकार में मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने कई बार इन विधायकों से मुलाकात की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।